क्या करते कि फोन में लग जाते हैं, फोन देखते रहेंगे कुछ समय तक, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और काम को थोड़ा सा कहेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे, हम लोग फोन को कर लें, फोन तब तक चला लेते हैं। कुछ जरूरी काम हो तो आप उसको कम से कम समय में फोन पे कर लें, ताकि आप अपने जो रूटीन जो है आपका दिनचर्या का, उसमें कोई बाधा ना बन पाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर दिनचर्या को सही से बना के चलते हैं तो आपको बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, माइंड आपका फ्रेश रहेगा फ्रेंड्स, और आप अच्छे से नींद ले पाएंगे और आप अच्छे से भोजन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप शेड्यूल के साथ करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे एक मित्र भी आए हुए हैं जिनको आप देख चुके हैं पहले भी हमारे साथ, तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, तो वो भी कुछ आपको बताने वाले हैं, आपको कुछ गाइडलाइन तो दिनचर्या से रिलेटेड। तो आप बने रहे वीडियो के साथ और दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं अजय जी से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइज। आज फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपको लेके चलते हैं फ्रेंड्स, तो आप बने रहें वीडियो के साथ, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम लोग एक अलग टॉपिक पे बात करने वाले फ्रेंड्स, जो कि आज का टॉपिक है कि अपने टाइम को मैनेज कैसे करें। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे की ओर, तो आप बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें फ्रेंड्स, जो कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ ऐसा समझने को मिलेगा कि आप अपने टाइम को किस तरीके से प्रिपेयर करके मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम लोग, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मतलब अपने टाइम को कैसे मैनेज करें फ्रेंड्स, तो उस टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे फ्रेंड्स। तो आप बने रहे वीडियो के साथ, हम लोग बताते हैं आपको कि मतलब किस प्रकार से अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, अगर आज की लाइफ में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी लाइफ होती है, हर किसी के साथ समय नहीं होता, हर किसी के पास समय की बहुत कमी होती है हर किसी के पास, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं अक्सर कर कि चाहे अपनी लाइफ में कहीं भी हुआ करते, चाहे घर में हों या फिर बाहर हों, बाहर हों मतलब, या फिर ऑफिस वर्क में हों, कहीं भी मतलब हम लोग काम करते हैं जहाँ पे, या जॉब पे हूँ, तो करते क्या, हम लोग जब भी आते हैं घर पे तो अपने कामों को मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग आज के टाइम पे फ्रेंड्स होता क्या है कि सभी के पास फ़ोन हुआ करते हैं, तो सब लोग आते जाते समय अपना फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और आज के टाइम पे लोग, मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि सुनने में आया था काफ़ी समय पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि सुनने में आया था कि हर इंसान को 8 घंटे से ज़्यादा फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए, पर आज के टाइम पे दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रेंड्स लोग, जो लोग मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि सोते समय ही लोग अपने फ़ोन को सिर्फ रख पाते हैं, बाकी उस टाइम तक लगे रहते हैं, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक वो फ़ोन में ही लगे रहते कहीं ना कहीं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता पा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मतलब 100 में से अगर बोलेंगे तो 99% लोग ऐसे हैं जो कि अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, और अदर काम उनके छूट जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि वो फ़ोन में लगे रहते हैं और फ़ोन की वजह से दूसरे कामों को भूल जाते हैं। अपना काम जो करना होता है उनको, तो उसको वो कर नहीं पाते हैं और उसको सोच देते, टाल देते अगले दिन पे। फिर अगले दिन दोस्तों यही होता है, खासकर जैसा कि अगले दिन मतलब कोई आया, और मतलब अगले दिन में मतलब कोई भी काम हमारे को पड़ गया, जैसे मान लो घर में हैं कपड़े वॉश करने हैं, या मतलब घर में कुछ भी A to Z काम है, या ऑफिस के काम में हम लोग जाते हैं जब ड्यूटी पे करने के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अरे मतलब फटाफट फटाफट रेडी होके मतलब टाइम टेबल से भागने की कोशिश करते हैं। पर हम लोगों को दिक्कत क्या आती है फ्रेंड्स, हम लोगों को फ़ोन आगे बढ़ने में थोड़ी रुकावट करता है, इसलिए क्योंकि फ़ोन से क्या होता है कि हम लोग बिजी रहते हैं फ़ोन को देखने में, कभी फेसबुक, कभी यूट्यूब, कभी इंस्टाग्राम, काफ़ी सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, कभी कुछ, कभी कोई रिलेटिव अगर आपके साथ है तो उसको देखने में लगे पड़े, या फिर कभी कोई दूसरा पर्सन आपके पास बैठा हुआ है तो आप उसको भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये नया चीज़ आया, ये आया, मतलब ठीक है भाई, पर अपने आप को आप कब समय देंगे? फ्रेंड्स होता क्या है कि मतलब इस प्रकार से जैसे कोई अगर वर्क कर रहा है तो लोग क्या करते हैं, टाल देते हैं, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे गाइस, अभी हम लोग फ़ोन पे काम कर लेते हैं, फ़ोन देख लेते हैं थोड़ा सा, तो फ़ोन पे कुछ काम कर लेते हैं, और फ़ोन पे कुछ काम करने के बाद होता क्या है कि वो काम आपका लेट होता रहता है हमेशा। तो फ्रेंड्स लेट होगा ही होगा, क्यों क्यों नहीं होगा लेट, क्योंकि आप तो बिजी हैं, आप तो अदर समय में मतलब आप जो जहाँ पे आपका सही समय है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आप दे ही नहीं पा रहे अपने समय को, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप अपने समय को मतलब दूसरी जगह पे लगा रहे हैं, और उधर आपका वर्क भी पड़ा है दूसरा करने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि फ्रेंड्स आपको, आप अपने सही समय को सही जगह पे नहीं लगा पाते हैं। तो
उसके लिए आपको प्रिपेयर रह के और प्रिपेयर अपने वर्कआउट को करना चाहिए, और कंप्लीट जब वर्कआउट हो जाए, जब आप फ्री होते हैं तभी आपको फ़ोन चलाना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से मतलब हर किसी को करना चाहिए अपने प्रकार से। होता क्या है कि हम लोग सही समय को सही जगह पे नहीं लगा पाते हैं और अपना समय कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की चीज़ों में, और इधर उधर की चीज़ों में जब वेस्ट करते हैं गाइज, तो फिर होता क्या है कि हमारा हर काम अगले दिन पे चला जाता है, क्योंकि हो नहीं पाएगा, आप रात को सो नहीं पाएंगे फ्रेंड्स टाइम पे, और टाइम पे आप जब सो नहीं पाएंगे तो मतलब आपका खाने पीने का जो शेड्यूल है उसको भी आपका लेट होता है, और साथ में टाइम से ना सोना, ऊपर से फिर मॉर्निंग में सही टाइम पे उठना नहीं उठ पाएंगे आप, क्योंकि रात को आप देर रात तक अगर कॉल पे और फ़ोन पे अगर आप लगे रहेंगे, बिजी रहेंगे फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि उस टाइम पे आपका काम डिले होता रहता है हमेशा, और डिले होता रहता है, और जब डिले आपका वर्क होता है तो फ्रेंड्स होता क्या है कि डिले होने के बाद आपका काम अगले दिन पे और अगले दिन पे चलता रहता है, और जब अगले दिन पे चला जाता है आपका वर्क, तो फिर उससे क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका समय यूं ही सर्कल की तरह बढ़ता चला जाता है, और जब आपका समय बढ़ता चला जाता है फ्रेंड्स, तो समय के बढ़ते ही आप पीछे रह जाते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो कि काम के साथ आप कंप्लीट नहीं कर पाते। क्या है कि हम लोग जैसे मान लो कि जैसे मुझे सुबह उठना है, अगर कहीं हम लोग वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि सुबह 8 बजे या 9 बजे तक पहुंचना है ऑफिस, तो उसमें क्या करेंगे, मान लो 10 बजे का ऑफिस है, अगर 10 बजे का भी हमारा ऑफिस है, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है अपने आप के शेड्यूल में, कि हम लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में समझते चलो 10 बजे का यार है ऑफिस, तो हम लोग आराम से उठेंगे घर में 8 बजे उठेंगे, और 8 बजे उठने के बाद क्या करेंगे, अपना जो भी नहाना धोना करने के बाद 1-1.5 घंटा जो होता है आपके पास, उस समय में आप उसको लगा के और निकल जाएंगे ड्यूटी पर। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप कहीं अगर जा रहे हैं, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, या कोई भी जॉब पे जा रहे हैं गाइस, तो उसमें आपको प्रिपेयर रह के टाइम से उठना चाहिए, और आप सिर्फ ज़रूरी नहीं आप 2 घंटे पहले उठें, कोशिश करें आप अगर आपकी 8 बजे की ड्यूटी, अगर मान लो 10 बजे की ड्यूटी है, तो 10 बजे की ड्यूटी में क्या होता है कि 10 बजे की ड्यूटी में आपको मिनिमम 7 बजे तक, 6 से 7 से पहले आप उठ जाना चाहिए, 6 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाएं, और उसके बाद अपना नहाना धोना रोड मतलब रेडी करने के बाद, उसके बाद आप आगे वर्क को करें और ड्यूटी के लिए रेडी होके जाएं। उसके बाद होता क्या है, जब आप आते हैं रिटर्न, और रिटर्न आने के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि जब आप रिटर्न आ जाते हैं, तो रिटर्न आने के बाद आप क्या करते हैं कि फ़ोन में लग जाते हैं, फ़ोन देखते रहेंगे कुछ समय तक, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और काम को थोड़ा सा कहेंगे अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे हम लोग फ़ोन को, कर लें फ़ोन तब तक चला लेते हैं, कुछ ज़रूरी काम हो तो आप उसको कम से कम समय में फ़ोन पे कर लें, ताकि आप अपने जो रूटीन जो है आपका दिनचर्या का, उसमें कोई बाधा ना बन पाए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं, तो आप अगर दिनचर्या को सही से बना के चलते हैं, तो आपको बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी, माइंड आपका फ्रेश रहेगा फ्रेंड्स, और आप अच्छे से नींद ले पाएंगे, और आप अच्छे से भोजन कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप शेड्यूल के साथ करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे एक मित्र भी आए हुए हैं, जिनको आप देख चुके हैं पहले भी हमारे साथ, तो मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, तो वो भी कुछ आपको बताने वाले हैं, आपको कुछ गाइडलाइन तो दिनचर्या से रिलेटेड, तो आप बने रहे वीडियो के साथ, और दिखाते हैं आपको, मिलाते हैं अजय से, अजय बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ दिनचर्या के बारे में, तो सुनिए आप इनके मुंह से, करिए भाई। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ टाइम मैनेजमेंट करने का पहली तरीका, तो यही दोस्तों कि हम सही टाइम पर सोते नहीं हैं, और सही टाइम पर जब हम सोना चालू कर देंगे तो हमारा टाइम बहुत बचेगा। अब रात को हम लेट सोते हैं तो सुबह लेट उठते हैं, जब लेट उठते हैं तो टाइम हमारा 2 से 4 घंटे बेस्ट हो जाता है, तो 8-9 बजे उठेंगे तो फिर टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको दोस्तों करना क्या चाहिए, सोने से पहले 1 घंटे पहले फ़ोन को छोड़ देना चाहिए, हो सके तो 10 से 11 के बीच में सो जाए, और सुबह 5 बजे उठ जाए, कम से कम 5 बजे जब उठोगे तो आपके 4 घंटे बच जाएंगे, जो 8-9 बजे उठते थे तो 4 घंटे तो आपके बच रहे हैं, सुबह 5 बजे और आप उठ रहे हो। उठने के बाद फटाफट आपको वॉक कर लें, कहीं आप जिम करते तो जिम चले जाएँ, जो योगा करते थे योगा करें, उसके बाद आपको पढ़ाई की इच्छा तो पढ़ाई भी कर सकते हो, टाइम आपका बच रहा है। उससे अच्छी चीज़ यही है, आप जो आप सोने का तरीका जो मैंने बताया पहले उसको फॉलो करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और समय भी बचेगा, टाइम वही समय बचेगा। तो इसलिए आपको करना चाहिए पहले सोने की दिनचर्या सही कर लें आप।
आपको एक दो दिन दिक्कत होगी, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। फ़ोन को जितना हो सके उतना कम यूज़ करें। ठीक दोस्तों, ये बहुत चीज़ें अच्छी है, चीज़ बता रहा हूँ आपको, इसको यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलो ठीक है, वीडियो कैसा लगा आपको तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों आज का तो लाइक करें प्यारा सा, और कमेंट पे जय सियाराम जय माता दी लिखें फ्रेंड्स। और चैनल पे नए जुड़े हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास आपको टाइम पे मिल सके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं सभी माताओं बहनों को और भाइयों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी माताओं बहनों को और भाइयों को जय सियाराम जय माता दी।